इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। कृपया दर्शक अपने विवेक से काम लें। ये तब की बात है जब मेरा कैप राउंड का रिजल्ट आ चुका था। मुझे उम्मीद तो सीओईपी अमरावती गवर्नमेंट शेगांव रायसोन या रामदेव बाबा की थी, लेकिन मेरे नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। पापा, बाबा का इंजीनियरिंग कॉलेज मिला। कॉलेज के पहले ही दिन मुझे कुछ लोगों ने गेट पर रोक लिया। फिर किसी ढाबे पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग मेरे सीनियर्स हैं, और फिर ये सिलसिला ऐसा चला कि कभी रुका ही नहीं। पवन सुरवे और उसका चेला हमेशा से ही अलग ही बातों में उलझे हुए रहते थे। मेरे दोस्त को पहले ही दिन एक लड़की पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने उसे उसकी ओर ढकेल दिया। ऐसे बड़ी पवन की वजह से मेरी जान पहचान। एक दिन मैंने अपने कॉलेज के जीएस को जाते हुए देखा, तभी ठान लिया कि मुझे भी जीएस बनना। ये है आदित्य भोसले, जीएस की जगह का सबसे बड़ा दावेदार।
उसकी बहुत बड़ी गैंग है और बहुत चलती है उसकी कॉलेज में। लेकिन आदित्य और पवन का 36 का आंकड़ा था। लेकिन यहाँ चक्कर अलग ही निकला। पवन के और कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर के रिलेशन बहुत अच्छे निकले, जिसका फायदा उठाकर उसने खुद का कैंडिडेट खड़ा करने का फैसला किया और उस कैंडिडेट की इमेज बिल्टअप करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने कैंडिडेट यानी कि मनीष मोहिते की इमेज बनानी शुरू कर दी थी और स्पोर्ट्स टीचर भी उस पर बहुत खुश होने लगा था। और अब सिलसिला आने वाला था नॉमिनेशंस के डिक्लेरेशन का। अब नॉमिनेशंस आ चुके थे जिसमें मेरा और आदित्य का नाम था। अब पवन और आदित्य में जंग होने वाली थी। कॉलेज अब पूरी तरह से दो हिस्सों में बट चुका था। अरे मेरे भाई आ गया, थर्ड ईयर सेकंड ईयर से पूरी बात हो गई अपनी। फर्स्ट ईयर वाले का भी कंफर्म और फोर्थ फाइनल ईयर वाले भी कंफर्म। मेरे भाई का विषय जम गया। अब बारिश ही वोटरों की, कौन किसकी ओर जाएगा, जो सबसे ज्यादा वोटर जिताएगा वही होगा कॉलेज का चेयरमैन। हेलो, हाँ हेलो, क्या बात कर रहा, कब? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। I'm gonna go get some more.
आपको भी लगा कि आदित्य जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीता मैं, जिसकी वजह से आगे चल के मैं बहुत बड़ा नेता बना और आज आपके सामने बैठा हूँ।